आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 27 फरवरी के ईश्वरवरदान की रिकॉर्डिंग। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो और कहीं ना कहीं सफाई हो। कहीं ना कहीं नहीं, 100% चाहते हैं ना, तभी तो चाहते हैं हम कि हमारा जो संबंध हो हमें खुश रखें या हम उन्हें खुश रख पाए। तो उसके लिए परमात्मा आज कहते हैं एक सत्यता और दूसरा हमारे पास में होनी चाहिए उनके साथ में बिल्कुल ही क्लीनलीनेस। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं परमात्मा कहते क्या है। तो परमात्मा कहते हैं संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी बाबा। क्या क्या चीजें बोली? संतुष्टता रूपी स्वच्छता फर्स्ट, और सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भवा। ये दो चीजें परमात्मा कहते हैं। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। कभी आप काम करने वाले से मिलते हो, कभी दूध वाले से मिलते हो, कभी सब्जी वाले से मिलते हो, कभी हार्डवेयर वाले से मिलते हो जाकर के, कभी आप मिलते हो किसी पॉलिटिशियन से मिलते हो, कभी चेयरमैन से मिलते हो, कभी कहीं ना कहीं किसी अपने साथी संबंधी से मिलते हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उनको मिलते हो, आप कलीग्स को मिलते हो। परमात्मा कहते हैं उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। हम भी कितने संतुष्ट रहे उनसे और वो हमसे कितने संतुष्ट रहे, चेक करो हर दिन। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। ये कैसे? अगर आप उनसे देह और देह अभिमान की बातें करेंगे, मेरे पास में इतना, तुम्हारे पास में कितना, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी, मेरी प्रॉपर्टी कितनी, तुम्हारी कहाँ नौकरी लगी, तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है, तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है, ये अगर हम बातें करते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊपर या नीचे तौलने में लगे रहते हैं और हम ना खुद संतुष्ट हो पाते हैं ना और को संतुष्ट कर पाते हैं। तो ये करना नहीं चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। संबंध की स्वच्छता, तो ये जो बातें अगर हम करते हैं आदान प्रदान की, तुम्हारे पास क्या मेरे पास क्या, मैं मेरा तू तेरा, ये सारी बातें करना ही आदान प्रदान जो आज हो रहा है कलयुग में, इसको रोकना पड़ेगा। ये स्वच्छ नहीं है, नहीं तो संतुष्ट ना हम रह पाएंगे ना दूसरे रह पाएंगे। इसलिए कहते हैं सच तो बीठो नच। तो सत्य क्या है? ये सारी चीजें सच नहीं है। आज है कोई करोड़पति अरबपति, अगले दिन में वो जाकर के गरीब हो सकता है एक सेकंड में। तो क्या सत्य है? आत्मा की अवस्था ही सत्य है। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। तो सच्चा पुरुषार्थी होगा वो किसी को देहिक दृष्टि से, देह के संबंध, देह की पदार्थ चीजों के अनुसार नहीं तोलेगा, वो आत्मिक संबंध बनाएगा जो कि ब्रह्मा कुमारी इसमें आपको सीखने के लिए मिलता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं और हर दिन चेक करना चाहते हैं अपने आप को कि आप किस संबंध में हैं, तो आइएगा ब्रह्मा कुमारी में, अपने दृष्टिकोण को चेंज करिए, आत्मिक संबंध क्रिएट करिए, ना कि देह तुलना में चाहिए जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। दैहिक तुलना में आप तुलना करते रहेंगे, खुद भी असंतुष्ट और को भी असंतुष्ट, और को नीचे दिखाना पड़ेगा क्योंकि अपने आप को ऊंचा दिखाना पड़ेगा दैहिक संबंधों में, और यही आत्मा थक जाती करते करते। तो क्यों थके हम, क्यों ना हम संतुष्ट रहे, खुश रहे और हल्के रहे। आप भी आइए सीखे इस विद्या को। ओम शांति।